रायपुर में आज शाम 1 लाख से ज्यादा घरों में पानी का सप्लाई बंद रहेगा। राइजिंग मैन लाइन में लीकेज आने के कारण पानी का सप्लाई प्रभावित होगा। जल विभाग की टीम ने इस पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। टनल के अंदर मजदूर पाइपलाइन को ठीक कर रहे हैं। दावा यह है कि आज ही समस्या का समाधान हो जाना चाहिए और कल सुबह तक राजधानी की जनता को दोबारा पानी मिलने लगेगा। ये हमारा काम जो है मरम्मत का काम हमारा जो है लगभग 5 बजे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लाइन को चालू करने में हमको 1 से 2 घंटा और समय लगेगा और आज शाम की जो सप्लाई है 9 टंकियों से तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कल 18 तारीख को सुबह में सभी 9 टंकियों से जो जिसके लिए मेंटेनेंस काम के लिए हमारा शटडाउन लिया गया था वो पूर्ण होने के बाद कल 9 टंकियों से सप्लाई जो है नॉर्मल हो जाएगी। तो इससे लगभग जो है 70 से 80 हज़ार परिवारों को आज के शाम की सप्लाई पानी की नहीं हो पाएगी। आज रायपुर राजधानी में 1 लाख से अधिक घरों में जो है शाम को पानी नहीं आएगा। जी हां, आपको बता दें कि अभी हम रायपुर राजधानी के तेली बांधा में खड़े हैं, जहां पर देख सकते हैं कि राइजिंग मेन पाइपलाइन जो है जिसमें लीकेज आ गया, जिसकी वजह से 1 लाख से अधिक घरों में जो है आज शाम को पानी का अभाव महसूस होगा। साथ ही में इसकी जानकारी जल विभाग द्वारा 2 दिन पहले ही दे दी गई थी। और बात करें अगर प्रभावित कितना एरिया होगा तो इसमें आपको बता दें कि 9 टंकियाँ ऐसी है जो कि प्रभावित रहने वाली है। साथ ही में देख सकते हैं कि यहाँ पर मरम्मत का काम जो है वो शुरू हो गया है। सुबह से ही यहाँ पर जो है जल विभाग की टीम तैनात है और लगातार यहाँ पर जो भी लीकेज की समस्या है उसे दूर करने में यहाँ पर जुटी हुई है। देख सकते हैं कि इस ओर भी जो है लगातार पानी जो है लीकेज हो रहा था उसे बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। साथ ही में 1 लाख से अधिक घर ऐसे हैं, अगर आपको एरिया बताए रायपुर राजधानी में तो आपको बता दें दलदल, सियूनी, सड्डू, मोआ और साथ ही में अवंती विहार और इसके साथ साथ मैग्नेटो मॉल के आगे तक जाने वाले जितनी भी आगे जोरा तक टंकियां आने वाली है, तो ऐसी 9 टंकियां हैं जो कि प्रभावित रहने वाली है और आज शाम को वहां पानी नहीं पहुंचेगा। हालांकि जल विभाग की टीम का कहना है कि कल जो है सुबह तक पानी जो है घरों पर पहुंच जाएगा और साथ ही में मरम्मत अभी 2-3 घंटों में खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ ऐसी समस्या आती है जो जल विभाग की टीम नहीं सॉल्व कर पाती है तो ऐसे में कल भी देखा जाएगा कि रायपुर राजधानी में पानी की समस्या बनी रहने वाली है। लगातार यहाँ पर हम आपको नजारा दिखा रहे हैं कि टीम पहुंच चुकी है और देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर मरम्मत का काम शुरू है। देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से जल विभाग की टीम लगातार यहाँ पर काम कर रही है और जो मेन राइजिंग पाइपलाइन है उसमें जो बड़ा लीकेज है उसे सुधारने की कोशिश कर रही है वो कब तक ठीक होता है, और जिस तरीके से 1 लाख घरों में पानी का अभाव आज नजर आने वाला है क्या वो अगले दिन भी नजर आता है। कैमरामैन लक्ष्मी के साथ करिश्मा सोनी, अनादि टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।